वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में आपको मेरी टाइटल से ही पता चल गया होगा कि मैं आपको पपीते से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ जानकारी दूंगी कि पपीता तो हमारे लिए खाने में अच्छा रहता ही है, साथ साथ हमारी स्किन पर भी पपीता बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हम पपीता तो खा लेते हैं पर उसके छिलकों को क्यों फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, डरिए मत, मैं आपको पपीते के छिलके खाने के लिए नहीं बोलूँगी। मैं आपको बताऊंगी आज पपीते के छिलकों से आप किस तरह से अपने चेहरे पर एकदम पार्लर वाला लुक ला सकते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपका चेहरा देख के एकदम बोलेंगे कि आपने कौन से पार्लर से कौन सा वाला फेशियल करवाया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसके छिलकों को यूज़ में लाना है। तो यहाँ पर मैंने पपीते के छिलकों को थोड़ा मोटा ही छिला है फ्रेंड्स, ताकि इसमें थोड़ा पपीते का गूदा लगा रहे। और ये जो कटोरी में आपको दिखाई दे रहा है, ये चावल का आटा है। मैंने चावल को बारीक पीसा है मिक्सी में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको मोटा नहीं पीसना है, एकदम बारीक पीसना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पपीते का छिलका है, मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं छीला है, थोड़ा गूदा है इस पर, देखिए, जिससे कि हमारी स्किन पे इसका जो इस विटामिन है इसके सारे हमारी स्किन पे अच्छे से चले जाएं। तो अभी ये बहुत बड़ा है, मैं इसे बीच में से बहुत आसानी से टूट जाएगा ऐसे फोल्ड करने से, इस तरह से उल्टा करके तोड़ूंगी इसे। ये देखिए, इसके दो पीसेस हो गए, बहुत आसानी से टूट चुका है। तो ये बहुत अब इजीली मैं अपने चेहरे पे स्क्रब कर सकती हूँ इससे। मैंने पीछे से भी इससे धो लिया था अच्छे से। तो अब मैं बताऊँगी आपको क्या लगाना है इसमें इसके साथ। और साबुन से मैंने पहले ही फेस वॉश कर लिया था, तो अब मैं इसे स्क्रब को करके 5 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी, फिर अच्छे से पानी से फेस वॉश करके, सिर्फ पानी से मुँह धोना है हमें। तो मैं इस वाले हिस्से को ले रही हूँ और इस पर मैं लगाऊंगी जो चावल का आटा मैंने पीसा था। तो फ्रेंड्स, पपीते की इस वाली स्लाइस को मैं लूँगी पहले, इस पर मैं डालूँगी चावल का आटा, मैं हाथ से ही डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं इस पर ये डालूँगी। अब इसे इसमें डाल के मैं चेहरे पर लगाऊँगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये पपीते के छिलके का और चावल का स्क्रब दिखाऊँगी किस तरह से होगा। तो देखिए, इस तरह से लेके हमें चेहरा इस पर लाना है, अगर हम ऐसे करेंगे तो सारा गिर जाएगा। इस तरह से लेके फ्रेंड्स, इस स्क्रब को मैं 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू फेस पर करूँगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसे बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करनी है, क्योंकि चावल थोड़ा हार्ड होता है, तो ऐसा ना हो कहीं आपके फेस पे दर्द होने लग जाए। और ये भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप आज ही करोगे उसके बाद फिर दोबारा से ना करो, आप इसे कंटिन्यू लगातार करिए, तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चावल का आटा और ले रही हूँ, क्योंकि जो छिलके पर मैंने पहले डाला था वो सारा हट चुका है चेहरे पर लग लग के। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट तक जब अच्छे से मसाज कर लोगे, फिर आपको नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धोना है और बहुत ही हल्के हाथ से अपने चेहरे की मसाज करनी है जो स्क्रब करना है। फ्रेंड्स, स्क्रब कोई भी हो, आपको डेली कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप रोज़ स्क्रब करेंगे तो आपकी स्किन छिल भी सकती है, क्योंकि जो हमने इसमें चावल डाले हैं, चावल का आटा डाला, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है चावल। तो आपको 3 या 4 दिन बाद ही स्क्रब करना चाहिए, यानी कि 15 दिन में 3 बार स्क्रब कर लेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रोज़ रोज़ स्क्रब बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, मैं तो स्पेशली यही कहूँगी आपसे। और जो लेडीज़ हैं अपने घर का ध्यान रखती है, घर की साफ़ सफाई करती हैं, मैं उनसे भी स्पेशली कहूँगी कि आप अपना और अपने चेहरे का ध्यान भी रखिए, क्योंकि आप सुंदर हैं तो घर भी सुंदर रहेगा। तो पपीते के जो छिलके की स्लाइसेस थे, इन्हीं से मेरा काफ़ी स्क्रब हो चुका है 5 से 7 मिनट तक। मैंने सभी छिलके बेकार नहीं करे हैं, ये देखिए मेरे सारे छिलके एकदम साफ़ हैं। मैं इन्हें किसी टिफ़िन में डाल के अच्छे से स्टोर करके रख सकती हूँ, 2-3 दिन बाद फिर दोबारा मैं इन्हें यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि बार बार स्क्रब करने के लिए हमें पपीता नहीं मंगाना पड़ेगा। और जब कभी आए तो आप कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं जाके पानी से मुँह धोऊंगी अच्छे से, मतलब ना ज़्यादा ठंडा पानी लेना है मुझे, नॉर्मल पानी जो रहता है उससे जाके मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी चावल का स्क्रब करके मैंने चेहरे को पानी से धो लिया है, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा स्किन मेरी शाइन कर रही है। तो अभी चेहरे को मैं एकदम नरम तौलिए से अपना चेहरा साफ करूँगी, बहुत हल्के हाथ से हमें चेहरे को अपने साफ करना है। तो अभी तो मैंने फर्स्ट स्टेप ही करा है और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है, तो अब मैं करूँगी सेकेंड स्टेप। तो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप में हमें अगेन पपीते का छिलका लेना है और लेना है शहद। तो फ्रेंड्स, शहद से अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई नहीं हो सकता।
फ्रेंड्स, जब कभी भी हम अपने चेहरे पर स्क्रब करें तो स्क्रब के बाद हमें सेकंड स्टेप पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर करना चाहिए अपने चेहरे को। और शहद से अच्छा मॉइस्चराइज़र तो मुझे नहीं लगता शायद कोई होगा। तो पपीता और शहद मिलके तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्किन होने वाली है आपकी। तो आप ये रेगुलर कंटिन्यू अपने चेहरे पर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 दिन बाद छोड़ के अगर आप स्क्रब को और मॉइस्चराइज़र को करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी, बहुत ही ज़्यादा चमक आएगी आपके चेहरे पर। क्योंकि शहद सभी को पता है कि बहुत अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट तक अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करूँगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो नॉर्मल पानी रहता है उसी से मैं अपने चेहरे को धोऊंगी। स्क्रब करने के बाद फ्रेंड्स, हमें चेहरे पर मॉइस्चराइज़र इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची हो जाती है स्क्रब करने से, क्योंकि चेहरे की सारी गंदगी निकल जाती है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट मैंने मसाज करके चेहरे को पानी से धो लिया है और एकदम सॉफ्ट तौलिए से मैं अपने चेहरे को बहुत हल्के हाथों से पोंछ रही हूँ। तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो गई और क्लियर भी काफ़ी हो गई है। ये देखिए, मुझे खुद को अपनी स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, स्क्रब तो कर लिया है मैंने पपीते के छिलकों से। अभी तो मुझे खुद अपनी स्किन एकदम इतनी क्लियर लग रही है। थोड़ा सा मैंने जो स्क्रब करा था उससे अभी स्किन नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम चावल डाल के स्क्रब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ चलता है और काफ़ी ज़्यादा गंदगी साफ़ हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पपीते में बहुत ज़्यादा विटामिन है, एक खाली एक पपीते में 3 विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, विटामिन ए, डी और ई। तो देखिए, अगर ये खाने में हमें इतना फ़ायदा देता है तो हमारी स्किन पर तो फ़ायदा देने ही वाला है। और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा मेरी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा, मुझे खुद को अपनी स्किन इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सॉफ्ट लग रही है, जैसे एकदम ग्लास हो जाता है ना, ग्लास की तरह एकदम क्लियर लग रही है स्किन, चमकता कुछ इस तरह की स्किन चमक रही है अभी मेरी। आप भी अपने चेहरे पर यूज़ कीजिए और फिर देखिए आपको कितनी तारीफ़ें मिलेंगी, कितने लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन से पार्लर से कौन सा फेशियल करवा कर आई हो, फिर आप उनके साथ शेयर करना कि आपने क्या यूज़ करा। फ्रेंड्स, कई बार हमारी स्किन पर जब झाइयाँ हो जाती हैं, मतलब डार्क स्पॉट ज़्यादा हो जाते हैं, कई लोग हमें एडवाइस देते हैं कि हमें पार्लर जाना चाहिए अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए 15। तो फ्रेंड्स, पपाया फेशियल आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, पर उसके रेट इतने ज़्यादा हाई होते हैं कई बार हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो आप अपने चेहरे का ध्यान घर पर ही रख सकते हैं, घर के ही सामान से, घर में ही जो हमारी चीज़ें रहती हैं उन्हीं से आप अपने चेहरे को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा पपीते का जो मैंने स्क्रब करा है, अगर आप इसे हफ्ते में एक बार भी करते हैं टाइम निकाल के, और मतलब 4 से 5 दिन के अंदर भी करते हैं, समझिए महीने में आप ये 5 से 6 बार भी इसे यूज़ करते हैं स्क्रब को, तो आपकी स्किन की जो झाइयाँ, झुर्रियाँ, हल्की हल्की झाइयाँ हो जाती हैं किसी किसी के चेहरे पर, ऐसे तो ये हार्मोन्स की वजह से होती हैं, बट अगर आप पपीते का ये करते हैं स्क्रब तो मैं आई एम श्योर वो आपके चेहरे से बिल्कुल गायब हो जाएंगी झाइयाँ, झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पपीता खाइए और पपीते का स्क्रब और फेशियल कीजिए अपने चेहरे पर बिना किसी ज़्यादा झंझट के। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलूंगी मैं किसी नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।